हेलो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिजिटल स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी बोर्डिंग ये टॉपिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इन एजुकेशन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ हम बात करते हैं वॉट इज़ डिजिटल स्टोरी। डिजिटल स्टोरी टेलिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कंबाइनिंग नरेटिव विद डिजिटल कंटेंट इंक्लूडिंग इमेज साउंड एंड वीडियो टू क्रिएट अ शॉर्ट मूवी टिपिकली विद अ इस्ट्रॉन्ग इमोशनल कंपोनेंट डिजिटल स्टोरी टेलिंग जो होता है उसमें जो हम अपना नरेटिव को डिजिटल कंटेंट से कंबाइन कर देते हैं जिसमें हम इमेज इंक्लूड करते हैं साउंड वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं या फिर कुछ इसमें इस्ट्रॉन्ग इमोशनल कंपोनेंट भी ऐड करते हैं sophisticated डिजिटल story stories कैन बी interactive मूवीज़ दैट इंक्लूड हाईली produced ऑडियो एंड visual इफ़ेक्ट्स ये इंटरेक्टिव मूवीज़ भी हो सकती है जो हाई ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है बट ए सेट ऑफ स्लाइड्स विद कोरस्पोंडिंग नरेशन और म्यूजिक कंस्टिट्यूट अ बेसिक डिजिटल स्टोरी कुछ सेट ऑफ स्लाइड्स भी और कोई नरेशन या म्यूजिक भी एक बेसिक डिजिटल स्टोरी प्रोड्यूस कर सकता है अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल स्टोरीज़ की डिजिटल स्टोरी कितने टाइप की होती है तो ये मेनली फोर टाइप की होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वन इज़ इंस्ट्रक्शनल इसमें होता है नरेटिव एक नरेट करना स्टोरी को इंस्ट्रक्शंस के थ्रू सेकेंड इज़ परसिव जिसका जिसमें आता है कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कन्वाइंस सम वन टू अडोप्ट अ पार्टिकुलर व्यू पॉइंट एक अपॉर्चुनिटी देना दूसरे को कि वो कन्वाइंस करे आ, किसी को आ, एक पार्टिकुलर व्यू पॉइंट को अडोप्ट करने के लिए कि जैसा हम सोचते हैं दूसरा इंसान भी वैसे ही सोचे थर्ड वन इज़ हिस्टोरिकल इसमें पास्ट की बात की जाती है और लास्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव राइटर डिस्क्राइब्स रियल और इमेजनरी सीन इवेंट एक्सेट्रा इस रिफ्लेक्सिव में जो राइटर है वो रियल या फिर इमेजनरी कोई भी सीन उसको डिस्क्राइब करता है या किसी इवेंट को डिस्क्राइब करता है इसके प्रोसेस की बात करते हैं द रिसोर्स अवेलेबल टू इनकॉर्पोरेट इन टू अ डिजिटल स्टोरी आर वर्चुअली लिमिटलेस गिविंग द स्टोरी टेलर इन नॉर्मस क्रिएटिव एटीट्यूड जो आ, जो रिसोर्सेज है डिजिटल स्टोरी को बनाने के लिए उसको बढ़ाने के लिए वो लिमिटलेस है वो हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज है सम लर्निंग थोरेटिस्ट बिलीव दैट एज अ पैडागोजिकल टेक्निक स्टोरी टेलिंग कैन बी इफेक्टिवली अप्लाई टू नियरली एनी सब्जेक्ट और ये स्टोरी टेलिंग जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई की जा सकती है उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम उससे इफेक्टिव बना सकते हैं कंस्ट्रक्टिंग ए नरेटिव एंड कम्युनिकेटिंग इट इफेक्टिवली रिक्वायर द स्टोरी टेलर टू थिंक केयरफुली अबाउट द टॉपिक एंड कंसिडर द ऑडियंस परस्पेक्टिव एक नरेटिव और स्टोरी को नरेटिव फॉर्म में कम्युनिकेट करना ये स्टोरी टेलर को बना देता है कैपेबल कि वो सोचे टॉपिक के बारे में और ऑडियंस के पर्सपेक्टिव को भी जाने अब इसके जो डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्रोसेस होता है इसमें फर्स्ट वन में होता है कि हमारे दिमाग में हमारे ब्रेन में आइडिया आता है सेकेंड हम उसकी स्क्रिप्टिंग करते हैं यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं हम उसकी स्क्रिप्टिंग करते हैं उसके बारे में जो हमारा जो आइडिया है उसके बारे में लिखते हैं थर्ड वन इलेस्ट्रेशन एंड पेंटिंग हम उसमें इलेस्ट्रेशन ऐड करते हैं पेंटिंग करते हैं फोर्थ में हम उसमें वॉइस एक्टिंग अपनी वॉइस का भी यूज़ करते हैं ऑडियो ऑडियो एड्स का यूज़ करते हैं लास्ट वर् एनिमेशन एनिमेशन का यूज़ किया जाता है और लास्ट में वो पब्लिश हो जाती है तो इसी तरह एक डिजिटल स्टोरी जो है वो उसका प्रोसेस बनता है डिजिटल स्टोरी फॉर्म होती है अभी स्टेप बाई स्टेप अगर हम इनको इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो जैसे फर्स्ट वन आइडिया था तो फर्स्ट इट स्टार्ट विद एन आइडिया ऑल स्टोरीज बिगिन विद एन आइडिया द आइडिया कुड बी एनी थिंग एंड एवरी थिंग आइडिया कुछ भी हो सकता है डिजिटल स्टोरीज कैन बी फिक्शनल नॉन फिक्शनल ये फ़िक्शनल भी हो सकती है और नॉन फिक्शनल भी सेकेंड हमने पढ़ा था राइट अ स्क्रिप्ट वंस द आइडिया हैज़ बीन कंसीव्ड मेक इन कॉन्क्रीट राइट ए प्रपोजल क्राफ्ट ए पैराग्राफ ड्राइ माइंड मैप एंड प्रिपेयर अ ड्राफ्ट फॉर द स्क्रिप्ट सेकेंड में हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं जब आइडिया कंसीव हो गया उसमें हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं माइंड मैप बना सकते हैं ड्राफ्ट बना सकते हैं स्क्रिप्ट के लिए थर्ड इज इलस्ट्रेशन एंड पेंटिंग दिस इज़ द स्टेफ दैट मेक्स द मैजिक हैप्पन एंड राइटिंग कम्स अ लाइव इसमें इस अगर हम इलेस्ट्रेशन या पेंटिंग करते हैं तो एक मैजिक क्रिएट करता है स्टोरी टेलिंग में और राइटिंग को ऐसा बना लेता है कि एक हम रियल really कुछ देख रहे हैं एक लाइव चीज़ देख रहे हैं दिस इज वेयर द ट्रांजिशन इन टू विजुअल मीडिया टेक्स प्लेस यहाँ पर विजूअल मीडिया का ट्रांजिशन होता है एक ऐसी मीडिया जो एग्जिस्ट तो नहीं करती बट विज़ुअली हम उसको फील कर सकते हैं फोर्थ वन इज वॉइस एक्टिंग गिविंग द वॉइस वीडियो और वॉइस ओवर मेक इट ऑल द मोर इफेक्टिव अगर हम वीडियो को वॉइस uh, ओवर दे वॉइस दे दें तो वो बहुत ही इफेक्टिव बन जाती है एक्सप्रेशन थ्रू वीडियो एंड पिक्चर्स सप्लीमेंटेड बाई वॉइस वो वॉइस है एक्टिंग मेक्स द डिजिटल स्टोरी इम्पैक्टफुल हो ये अगर हम इसमें वो वीडियो पिक्चर्स को वॉइस दे एक्सप्रेशन दें तो ये जो डिजिटल स्टोरी है उसको इम्पैक्टफुल बना देती है नेक्स्ट इज़ एनिमेशन ब्रिंगिंग द कैरेक्टर्स टू लाइफ एनिमेशन ब्रिंग्स द डिजिटल स्टोरी दैट इज द फ्रेगमेंट ऑफ आर थॉट टू रियलिटी एनिमेशन जो है वो डिजिटल स्टोरी को एक रियलिटी की तरफ कन्वर्ट कर देता है और पब्लिशिंग है नेक्स्ट लास्ट पब्लिशिंग इसमें क्या होता है कि शेयरिंग ऑनलाइन हैज़ बिकम डीपली डीपलीम्बेडेड इन आर कल्चर इसको ऑनलाइन शेयर किया जाता है सो वाई नॉट पब्लिश द स्टोरी एंड शेयर इट ऑनलाइन क्योंकि ऑनलाइन आजकल काफ़ी कुछ शेयर हो रहा है और काफ़ी कुछ आजकल ऑनलाइन ही फीचर होता है तो इसको भी फिर ऑनलाइन शेयर किया जाता है नॉलेज दैट अदर पीपल माइट सी द वर्क ऑफ फंड इज मोटिवेशन टू मेक इट द बेस्ट पॉसिबल वर्क दैट वन डज़ अदर लोग इसको देखें समझे तो इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम काफ़ी बेस्ट पॉसिबल वर्क कर पाए अब इसके एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ डिजिटल स्टोरी टेलिंग फर्स्ट वन इज़ इट डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ये क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी ये डेवलप करता है गिव चांस टू स्पीक इन क्लास क्लास में बोलने का चांस मिलता है फोस्टर स्टूडेंट सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी स्टूडेंट की सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी को फोस्टर करता है फैसिलिटेट प्रेजेंटेशन ऑफ इमोशनल कंटेंट इमोशनल कंटेंट के प्रेजेंटेशन को फैसिलिटेट करता है ये सपोर्ट करता है प्रेजेंटेशन को नरेटर के ओन पॉइंट ऑफ व्यू से इट हैज इन रिप्रेजेंटिंग ड्रामेटिक क्वेश्चंस ये ड्रामेटिक क्वेश्चंस को भी रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है सपोर्टेड बाय द पावर ऑफ मीनिंगफुल साउंड ट्रैक मीनिंगफुल साउंड ट्रैक की पावर से इसको सपोर्ट किया जाता है वो इसमें ऐड किए जाते हैं अब अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो हमें बताया ये हेल्प करता है कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज़ करने के लिए टेक्नोलॉजिकल स्किल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बनाता है हैंड्स ऑन लर्निंग पॉजिटिव इन्वामेंट क्रिएट करता है ओरल स्किल्स बढ़ाता है एक्सप्रेशंस बढ़ाता है लॉजिकल थिंकिंग और एक्सप्रेशन का यूज़ होता है इसमें लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है क्रिएटिव स्किल बढ़ती है और स्किल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ती है ये इसके बेसिक जो बेनिफिट्स है वो बताए गए हैं अब बात करते हैं स्टोरी बोर्ड ए स्टोरी बोर्ड इज ए ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन दैट प्लान एंड नरेटिव स्टोरी बोर्ड्स आर अ पावरफुल वे टू वर्चुअली प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन द लीनियर डायरेक्शन ऑफ द सेल्स इज परफेक्ट फॉर स्टोरी टेलिंग एक्सप्लेनिंग ए प्रोसेस एंड शोइंग द पैसेज ऑफ टाइम एट देयर कोर स्टोरी बोर्ड्स आर अ सेट ऑफ सिक्वेंशियल ड्राॅइंग्स टू टेल ए स्टोरी स्टोरी बोर्ड्स के अंदर कुछ सिक्वेंस में ड्राॅइंग की जाती है और जब हम आ, कोई भी स्टोरी बताते हैं तो उसी सीक्वेंस में स्टोरी को भी बताया जाता है और वो साथ साथ पिक्चर्स दिखाई जाती है तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है जो स्टोरी टेलिंग है उसको इम्पैक्टफुल uh, बनाने इफेक्टिव बनाने में स्टोरी बोर्ड्स आर सिमिलर टू तो कॉमिक बुक्स ये कॉमिक बुक्स की तरह ही होते हैं जहाँ पे साथ साथ पिक्चर्स दी जाती है जो भी हम एक्सप्लेन करते हैं उसके साथ विद क्विकर लेस डिटेल्ड स्केचेस एंड ए फोकस ऑन राइटिंग आउट वट इज हैपनिंग इन ईच सी स्टडी ऑफ मेकिंग ए ड्राइविटिंग स्टोरी लाइन एक स्टोरी लाइन को बनाने के बजाय कुछ छोटे छोटे स्केचेज ड्रॉइंग्स की जाती है जिससे हमें स्टोरी के अंदर या ईच सीन में क्या क्या है वो पता चलता है दोरी बोर्ड गिव्स सम गाइडलाइंस फॉर वट टाइप्स ऑफ शॉर्ट्स टू यूज वट विल बी द फोकस एंड मूड ऑफ इच शॉर्ट वॉट द कैरेक्टर्स आर डूंग्रोक्सीमेटली वेर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एंड प्रोप्स विल भी लोकेटेड यह सब ये बताता है दे डोंट नीड टू बी एनी मोर डिटेल देन वॉट इज नेसेसरी टू गैट दो यहाँ पे स्टोरी बोर्ड का बेसिक आगे और भी कुछ बताया गया जैसे ए स्टोरी बोर्ड इज द रिटन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन आर डिजिटल स्टोरी एक रिटिन या फिर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो भी डिजिटल स्टोरी में कैरेक्टर्स या कुछ भी सीन वो सब बताए जाते हैं उनका द स्टोरी बोर्ड इज़ यूजली क्रिएटेड बिफोर एक्चुअल वर्क ऑन क्रिएटिंग द डिजिटल स्टोरी बिगिनस एंड आर रिटिन डिस्क्रिप्शन एंड ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी सच सजाज इमेजेज टैक्स म्यूजिक नरेशन ट्रांजिशन एक्सेट्रा एडिट टू द स्टोरी बोर्ड ये सब स्टोरी बोर्ड में एडिट किए जाते हैं यहाँ पे आप एक Uh, देख भी सकते हैं कि स्टोरी बोर्ड ये पिक्चर में दिखाया गया है द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी आर अरेंज इन द स्टोरी बोर्ड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे विल अपीयर इन द स्टोरी वो जो एलिमेंट्स होते हैं स्टोरी के पिक्चर इमेजेस या कोटेशन कुछ भी वो स्टोरी बोर्ड में उसी सीक्वेंस में लगाए जाते हैं जिस सीक्वेंस में स्टोरी होती है दिस अलाउ द डेवलपर टू ऑर्गेनाइज एंड रीअरेंज द कंटेंट फॉर मैक्सिमम इफेक्ट बट जो कंटेंट है इसका स्टोरी का मैक्सिमम इफेक्ट पड़े ये जो है वो अलाउ करता है ताकि वो इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज या रीअरेंज कर पाए स्टोरी बोर्ड्स में भी क्रिएटिव इन वैरायटी ऑफ वेज बोथ ओरिजिनली एंड मैनुअली ऑन पेपर और आर्टिस्ट बोर्ड ये क्रिएटिव होते हैं काफ़ी इफ स्टोरी बोर्ड्स आर डेवलप होने कंप्यूटर वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में भी यूज कंप्यूटर में इनको डेवलप करने के लिए तो काफ़ी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज किए जाते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट इस तरह बनाया जाता है बेसिक डिस्क्रिप्शन ये शीट दिखाई गई है स्टोरी बोर्डिंग की ये रहे कुछ स्टोरी बोर्ड्स एक्शन कैरेक्टर्स किस तरह मूव कर रहे हैं सब यहां पे बताया गया है स्टोरी बोर्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू अर्ली on in the planning part of communicating with data to help ensure that your overall communication makes sense, meet the given need and tell a story. Storyboarding is both important thing hai agar hame apni story ko hamare communication ko usse sense deni hai जो need है viewer की, वो need fulfill करनी है, एक अच्छी story बनानी है, तो इसके लिए काफी important होता है. Thank you. Please like, share and subscribe.